नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट अनाउंस होते ही टॉपरों की जो सूची है वो हमारे सामने आने लगी है कि किस किस ने कहाँ कहाँ पे टॉप किया है। अगर बोर्ड टॉप की बात करें तो बोर्ड टॉप टॉपरों की सूची हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट टॉप जो जिन बच्चों ने किया है उनकी लगातार कवरेज सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो प्लस टू में जिस बच्ची ने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, जोधपुरिया गाँव की रहने वाली लड़की थी जो साइकिल पर सवार हो करके 12 किलोमीटर तक लगातार सफर तय करती थी और उस बच्चे ने टॉप किया है। तो उसके बाद वो भी रानिया तहसील की थी, रानिया विधानसभा की थी। और उसके बाद 10वीं कक्षा के अंदर अगर बात करूं तो 10वीं कक्षा में भी जिले के अंदर टॉप किया है रानिया के ही गांव घोड़ा वाली की एक गुड़िया ने। गुड़िया ये सामने देख सकते हैं आप कि जैसे ही गुड़िया के टॉप होने की खबर मिली, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस गुड़िया ने 98.8% नंबर करके जो है वो प्रदेश के अंदर चौथा स्थान 10वीं कक्षा के अंदर हासिल किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस गुड़िया की अगर बताना चाहूँ तो स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना के अंदर ये पढ़ाई करती है, और जोधपुरिया गांव की जो बच्ची थी वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रही थी। चलिए सबसे पहले गुड़िया से बातचीत करें। उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इसके आस पड़ोस के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और गुड़िया को बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और परिवार के अंदर काफी खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। हालांकि इस गुड़िया की दो बहनें और भी हैं, छोटी हैं, उनको भी इससे एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि उनकी बहन ने जब टॉप किया है तो वो टॉप क्यों नहीं कर सकती हैं। इससे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुड़िया से बातचीत करते हैं। गुड़िया, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और स्टेट में चौथे स्थान पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, ये बताइएगा कि आपका रूटीन जो है वो क्या कुछ रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे, घर के कामों में कितना का हाथ बटाते थे? सबसे पहले तो स्कूल का था कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसको अच्छे से किया, और कुछ खुद की तरफ से किया, और यही चलता था। कुछ घर का था, कुछ घर का हो जाता था, और कुछ खुद का था। अच्छा, तो पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था आपका? सुबह उठ के कितने बजे उठते थे, कितने बजे तक पढ़ाई करते थे, घर का काम करते थे? सुबह मैं 4 बजे उठती थी और फिर 8 बजे तक स्कूल के लिए तैयार होकर और फिर स्कूल जाते थे, आकर खाना वगैरह खाकर कुछ करवा कर काम घर का, और फिर वापस से पढ़ने बैठना। अच्छा। और 9-10 बजे तक वही चलता रहता था पढ़ने का ही। अच्छा, पापा क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा खेती करते हैं। अभी पहले वो पुलिस में थे और उन्होंने मेरे लिए वो पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब खेती कर रहे हैं। तो खेती खुद ही करते हो, खेत में भी हाथ बटाते हो आप उनका? कुछ थोड़ा बहुत है, कभी कभी जब ज्यादा काम होता है। हाँ। जैसे नरमा की चुगाई करना है, गुड़ाई करना। हाँ। अच्छा, तो आपकी दो बहनें और हैं, हमें दिखी हैं यहाँ पे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वो भी आपकी तरह से आगे आए? मैं कहना चाहूंगी कि वो इससे इंस्पिरेशन ले या इससे मोटिवेट हों कि वो भी आगे कुछ कर सके। ठीक है, वो भी आगे कुछ करें, और ये मुझसे बड़ी हैं तो इन्होंने भी तो करके दिखाया है, इनसे भी इंस्पिरेशन मुझे मिलना चाहिए कि मैं इनसे इंस्पिरेशन लूं कि मैं और भी आगे जाऊं, आगे भी ऐसा ही करूं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी टॉप किया है? नहीं, इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो अच्छा लगता है साथ। अच्छा, तो बहन को पछाड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की और टॉप आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये प्लस टू में। अच्छा, प्लस टू में, 10वीं में तो आया ही होंगे इसके अच्छे मार्क्स। हाँ, अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, तो और जो दूसरी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि हम टॉप नहीं कर सकती, गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं तो हम टॉप नहीं कर सकते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, खुद की इच्छा होती है, वो चाहे कहीं भी रहे हम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी रहें हम कैसा भी कर सकते हैं। खुद के अंदर हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं। स्कूल में आप पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन इसके अलावा घर में ट्यूशन वगैरह भी लगाते थे? नहीं, कुछ नहीं था, मैं खुद ही पढ़ती थी। अच्छा, घर में कितना टाइम आप स्टडी को दिया करते थे? घर में 5-6 घंटे थे नॉर्मल सभी मिला के। अच्छा, मिला के 5-6 घंटे स्कूल में और 5-6 घंटे घर में। हाँ, इतना था। इस गुड़िया की बड़ी बहन है, इसने भी बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन किए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी छोटी बहन जो आपको पछाड़ गई है? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने तो अच्छे नंबर ले लिए, और ये भी मेरे से अच्छे नंबर लें,
और आगे जो भी ये एम इनका ये अपना पूरा करें। अच्छा, दसवीं में और बारहवीं में आपके कितने परसेंट मार्क्स? टेंथ में मेरे 81 थे और ट्वेल्थ में मेरे 87 है। 87 है। अच्छा, तो अब क्या अपने छोटी बहन को क्या कहना चाहेंगी आपकी? आपके 87 है तो टेंथ में इसके कितने आने चाहिए? टेंथ में तो इसके 98 आ चुके हैं, प्लस टू में इससे भी अच्छे हो और मेरे से ज्यादा ही हूँ, आपसे ज्यादा हूँ। ठीक है, अच्छी बात देखने को मिली है कि बड़ी बहन छोटी बहन को सपोर्ट कर रही है कि ज्यादा अच्छे हैं। चलिए अब गुड़िया के पिताजी से बातचीत करते हैं। सर, गुड़िया ने कहा कि आपने पुलिस की नौकरी इसकी पढ़ाई के लिए छोड़ी, अब खेती कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने स्टेट में जो चौथा स्थान हासिल किया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू में तो मेरे को यूं लगता था अभी बच्ची पता नहीं क्या करेगी, किस तरह करेगी। अब जो इसका रिस्पॉन्स देखा मैंने, नौवीं में इसका रिजल्ट देखा, आठवीं में देखा, तो नौवीं के बीच में मैंने ये देखा, मैं बतौर पुलिस डिपार्टमेंट से एसपीओ था, ठीक है, तो मेरी सर्विस थी वो मेवात की थी, तो आना जाना बहुत लंबा हो गया मेरा, तो बच्चों की तरफ मैंने देखा भी बच्चों की पढ़ाई है वो डेली की डेली रूटीन में ख़राब हो रही है, इस वजह से मैंने मेरी नौकरी छोड़ के बच्चों पर ध्यान दिया। ठीक है, पहले से मैं खेती करता था और 2015 से ले कर 2020 तक मैंने सर्विस की, उसके बाद में मैंने बच्चों की तरफ देख के अपनी सर्विस छोड़ दी। भी बच्चे कामयाब हो जाए तो अपने लिए सर्विस ही है। कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं जी मेरे, बड़ी बड़ी कंचन है, दूसरी ममता और एक लड़का है। अच्छा, एक लड़का। अच्छा, तो बाकी बच्चों को भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट? सर, मेरी एक ही सोच रही है हमेशा से भी, खुद की चलो जो जिस तरह निकलगी निकलगी, बच्चों के लिए कुछ करके दिखाएं। ठीक है, चलिए एक इनके पड़ोसी हैं, इनके परिवार से ही हैं, भाई हैं, परिवार से हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी भतीजी है, टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, बढ़िया, अच्छे अंकली है, घोड़ावाड़ी गांव का नाम रोशन किया है, सिरसा जिले का नाम रोशन किया है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी लड़की है, वो मेरे भाई की लड़की है। अच्छा जी, ठीक है, तो गांव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया है जी। चलिए अब इस गुड़िया की माता जी से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगे आपकी बेटी को लेकर के? कितना काम करवाते थे आप इससे? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही। अच्छा, कभी डांटते थे कि काम नहीं करती है, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई? नहीं डांटा कभी, कभी नहीं डांटा। तो आने वाले समय में? आने वाले समय में कोशिश यही रही है पढ़े, अच्छे नंबर ले, दोनों अच्छे, अच्छी थी पढ़ाई में। अच्छा, तो जब ऐसे मतलब कि मीडिया वाले आपके घर पे आते हैं और बच्ची ने अच्छा नाम रोशन किया है तो कैसा लगता है अंदर से? कि खुशी होती है, खुशी होती है। एक छोटी सी गुड़िया और है, इससे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? ममता। ममता, कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नाइन्थ। नाइन्थ में। अच्छा, तो अभी इस गुड़िया ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आगे आप भी टेंथ में होने वाले हो, तो क्या इससे सीख लोगे? यही कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लेने हैं। अच्छा। ताकि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं, और ये मुझे कराती है, मेरी पढ़ाई में भी हेल्प करती है, तो ऑटोमेटिकली मेरा और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर घर पे ही है ना? हाँ। अच्छा, तो आप टेंथ में क्या एम लेकर के चले हैं? टेंथ में यही है भी जितना ज़्यादा हो उसके भी उतना ज़्यादा मैं नंबर लूँ, जितना मेरी एबिलिटी है मैं उससे भी ज्यादा नंबर लूं। अच्छा। ये मेरा रहेगा, स्टेट टॉप करने का इरादा है। हाँ। ठीक है। सर, आप भी एक शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बच्चे ने जो टॉप किया? सबसे पहले तो मैं इस गुड़ियों को बहुत बड़ी बधाई दूंगा, क्योंकि सिरसा ज़िले के अंदर लगभग टेंथ क्लास में लगभग 200,000 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया होगा, 200,000 को चैलेंज करके ये फर्स्ट नंबर पर आई है और इसके 99% नंबर आए हैं, एक नंबर इसका छूटा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गाँव के लिए, तो इतिहास है ये, और ये इतिहास मेरे को नहीं लगता भी जल्दी से टूटेगा भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। और दूसरा मैं ये कहता हूँ भी इस गुड़िया को सरकार की तरफ से भी, वैसे इस घर को जरूरत नहीं है सरकार की तरफ से, सच्चाई है, परंतु सरकार मोटिवेशन के लिए सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आए, उसको स्पेशल यहाँ पर कोई डीसी हो या एसडीएम साहब हो या शिक्षक जो डीओ वगैरह हैं वो इस लड़की को बड़े मंच के ऊपर सम्मानित करे, ताकि और अन्य बच्चों के ऊपर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े और बच्चे आगे बढ़े, और नशे से जो मतलब हमारा समाज ग्रसित हो रहा है, तो इस गुड़िया को देख के जो नशा करते हैं और करते हैं वो भी लोग इससे प्रेरणा ले, भी उस चीज़ को छोड़ें और गुड़िया को एक अपना मार्गदर्शक मानकर और इसके पच्चीनों पर चलकर ये हमारे गांव के लिए बड़ी पहचान बनाई, इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, गुड़िया से एक सवाल और रह गया। गुड़िया, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपके 496 नंबर है? 494, 6 नंबर महज रह गए आपके, कि 6 नंबर और होते तो मैं टॉप कर जाती।
हाँ थोड़ा कमी लग रही है कि कुछ और करना चाहिए था, बाकी मेरी पूरी कोशिश थी। अच्छा तो ये 6 नंबर की चूक हुई वो कहाँ पे हुई? आपने बाद में एनालाइज किया होगा रिजल्ट आने के बाद कि यहाँ पे कमी रह गई? हाँ कुछ मैंने अपना कंप्लीट दिया था, पर जो कमी होती है वो मुझे नहीं पता है, जिन्होंने पेपर चेक किया या जो हमारे शिक्षक है उन्हें ही पता होती है, पता है आपको नहीं पता। जो कमी रह जाती है वो वही बता सकते हैं, और वो कमी उन्होंने बताकर मुझे और प्रेरित किया है कि मैं और सही से अच्छा करूं और ज़्यादा अच्छा करूं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाती या थोड़ी और अधिक मेहनत कर ली जाती तो टॉप आ जाती? हाँ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ करना चाहिए था ताकि और आगे बढ़ पाते। ठीक है चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और स्टेट में 4th स्थान हासिल करके इस गुड़िया ने अपना, अपने माता पिता का, अपने गांव का, स्कूल का और ज़िले का नाम जो है वो रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में सरकार से भी अनुरोध है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध है कि इस तरह से जो बच्चे टॉप आते हैं उनको एक बड़े मंच पर सम्मानित करने का जो है वो एक फैसला लिया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों से दूसरे बच्चे प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर अग्रसर हों और लगातार जो हर एग्जामिनेशन में जो वो टॉप आने की लगातार कोशिश बनी रहे। खैर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस बार के 10वीं और 12वीं के परिणामों ने ये घोषित कर दिया है कि घोड़ावाली गांव और जोधपुरिया गांव की दो बेटियों ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप आ करके कि हमारी गांव की छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं। तो ऐसे में ग्रामीण एरिया के अंदर इतनी बढ़िया पढ़ाई की फैसिलिटी व्यवस्था जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ाई में अपना लोहा मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर आप इस गुड़िया को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।